साथ रेप हो रहा है, ठीक है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो हरियाणा की है, कहीं की भी महिला है। मुझे ये बताइए सुरक्षा है कहाँ? सिस्टम को जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ रो रहे हैं, बहुजन समाज बैठा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सिस्टम को अपने हाथों में उस तरह से ले लिया है। जब सबका विकास है भाई, सबका विकास में सब आते हैं। मोदी जी का किया है तो यूएई के वो भी फॉलो करके आए ना, वहाँ पे अगर महिला रात को 12 बजे जाती है, अगर उनके साथ कोई छेड़खानी होती है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं अगर कोई रेप करता है। होंगे कि ये तो बहुत देश के लिए, बहुत किसी भी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है। तो मतलब वहाँ पे कोई भी सरकार, किसी भी, चाहे वो कांग्रेस की थी, किसी ने कमेंट कोई नहीं किया, किसी के मन में महिलाओं के प्रति कोई दर्द नहीं है। दो महिलाओं क्या उद्देश्य के साथ बैठी हैं, हम जंतर मंतर पे बैठे हैं कि ये जो सिस्टम है, जो इतना अन्याय हो रहा है हर स्टेट में हो रहा है, कहाँ जब तक हम लोग उसको सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। हम चेंज करने के लिए, बदलाव के लिए बैठे हैं, ताकि जो सबका दर्द है, जितनी महिलाओं का, मतलब महिलाओं का तो कोई धर्म नहीं होता, बच्चों का कोई धर्म नहीं होता। हम जाते हैं सड़क पे, हमें कोई बच्चा मिलता है, हम उसको उठाते हैं, हम उसको बताते हैं कि भाई तू हिंदू समाज से है, तू बहुजन समाज से है, तू किसी भी उससे है। तो ऐसे ही महिलाएं सबसे कमज़ोर वीकर सेक्शन होता है। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का ये है कि महिलाओं को, महिलाओं की भागीदारी से ही हम सत्ता प्राप्त करेंगे। स्मृति ईरानी जी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी से ये पूछा जाए कि मुद्दों पे आगे रहती थी, तमाम मुद्दों पे, इस मुद्दे पे, क्योंकि वो तो पता नहीं किस तरह की महिला है, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती। जो महिलाओं के दर्द को, जब यहाँ पे आप ये देखिए कुछ टाइम पहले जंतर मंतर पे भी बच्चियाँ बैठी हुई थी, ठीक है, तो बीजेपी का सबसे बड़ा नारा सरकार का ये रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो यहाँ पे उस नारे को हमने उलट कर दिया कि इनसे बेटियों को बचाना पड़ेगा। मैम आप कह रही है कि महिला कमजोर है, बाबा साहब कहते थे कि महिला शक्तिशाली है, जिस प्रोटेस्ट में यदि महिला आ जाए समझो वो तो फिर इसीलिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बाबा साहब ने निश्चित की है, तो उसी के लिए समाज को हम जगा रहे हैं। महिलाएं आगे आके कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि जब भी कोई भी समाज होता है वो महिलाओं को कमजोर समझता है और उनका शोषण करता है। वहाँ पे देखिए मणिपुर में कैसे वो किया जा रहा है। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। नहीं तो इन्वॉल्व है भाई, इसका पुष्टि कौन करेगा? आप नेता कह रहे हैं, आप नेताओं की बात। विधायक अपनी पार्टी के लिए कह रहा है कि सर, तो फिर मोदी जी को सोचना चाहिए ना, विधायक को चेंज करें। जिस तरह से दो महिला है और उसका वायरल वीडियो हो रहा है मणिपुर में, इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, मुझे तो बहुत, मेरा सर इतना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, उनके साथ वो घटना वापरी है। आप ये देखो ना कि उनको कितना अश्लील वीडियो उन्होंने किया है। क्या वो क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दबंगगिरी है? किसी महिला को ऐसे कारगिल युद्ध में शामिल भागीदारी था, फिर भी उनके साथ तो महिलाओं के साथ क्यों भाई? अगर आपको पंगा लेना है तो आप सीधा सरकार से लीजिए ना, महिलाओं को बोहरा बना के क्यों किया जा रहा है? देश में महिला सुरक्षित है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? महिला कहाँ सुरक्षित है बताइए मुझे? कितने आपके पास कार्ड हुए हैं, कहाँ पे महिला है? बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, ठीक है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो हरियाणा की है, कहीं की भी महिला है। मुझे ये बताइए सुरक्षा है कहाँ? मैं इतने बड़े पद पे, मेरे हस्बैंड डीजीपी रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के, और वो आईपीएस रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मेरे पास दो बेटी है। मैं 9 बजे के बाद जब वो घर नहीं आती मैं डर जाती हूँ, क्योंकि सिस्टम नहीं है। आप दुबई में चले जाइए, आप 12 बजे तक, 1 बजे तक महिलाएं घूमती हैं, अगर कोई उनकी तरफ देखता है या उनको टच करता है तो उनके हाथ काट दिए जाते हैं। तो सऊदी वाले, जो हमारे देश में क्यों नहीं होता? कहा जाता है कि मतलब योगी जी के राज में सब कुछ चंगा है यूपी में, तो यूपी में तो कहाँ हो रहा है? यूपी में हाथरस का हुआ था, सारा हुआ है, तो योगी जी ने क्या बयान दे दिए भाई? आप बताइए महिलाएं कहाँ पे सुरक्षित है? मुझे एक भी वो दिखा दीजिए जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हों। और जहाँ भी ये सीएम पीएम आके सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ रो रहे हैं, बहुजन समाज बैठा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सिस्टम को अपने हाथों में उस तरह से ले लिया है। जब सबका विकास है भाई, सबका विकास में सब आते हैं, कहते सबका साथ सबका विकास। तो अब इनको सबका साथ नहीं मिलेगा ना, बहुजन समाज का तो साथ मिलने से रहा, क्योंकि बहुजन समाज तो इस टाइम सड़क पे है और वो अपना बदलाव चाहता है। क्योंकि हमारा सबसे पहला मुद्दा था कि महिलाओं को, हमारा भी बहुजन समाज है, ठीक है, वो भी ये कहता है कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, ठीक है। हम जितने भी डॉक्टर साहब माने हैं, पृथ्वीराज जी हैं, हम लोग इतने टाइम से यही संघर्ष कर रहे हैं। मैम कहा जाता है कि दो रात में 12 बजे रात में भी यूपी में महिला सुरक्षित है रोड पर। अब वो कहने की बात हैं, अगर कोई जाता है जाए, ये तो खुद निकल के दिखाए ना। महिलाएं डरते क्यों हैं? हम डरे क्यों हुए? क्योंकि सिस्टम नहीं है। कहने में और करने में और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क है। योगी जी के राज में सब कुछ चंगा है, बोला तुरंत एक्शन होता है प्रशासन की तरफ। तो फिर मणिपुर में क्यों नहीं हो रहा भाई? सारे सीएम क्यों नहीं इकट्ठे होते और पीएम को क्यों नहीं कहते कि भी सिस्टम बनाया जाए? मणिपुर में तो गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो क्यों नहीं सिस्टम को चेंज कर रही है? वो क्यों महिलाओं के साथ इतना हो रहा है? ये विपक्षियों की साजिश बता रहे हैं। विपक्ष कौन है भाई? आप जैसे, हम लोग जैसे ही तो वो भी हैं, तो फिर क्यों, फिर इनको रिज़ाइन देना चाहिए था। अगर विपक्ष की ये है तो रिज़ाइन करें मोदी जी, फिर इस मुद्दे को या तो सुलझाएं या रिज़ाइन करें। बीजेपी कह रही है कि मानसून सत्र से एक दिन पहले ये पब्लिश की है वीडियो, ये विपक्ष। तो कोई भी महिला रोड पे आके अपने आप को नग्न अवस्था में और लोग उसको टच कर रहे हैं, ये क्या एक प्रोपेगेंडा है इलेक्शंस का? ये 2024 को लेके देख रहे हैं। तो मोदी जी गए हैं वहाँ मणिपुर? नहीं, वो कह रहे हैं बहुत गुस्से में, माफ़ नहीं किया जाएगा। नहीं तो माफ़ नहीं किया जाएगा, देने में बोले में। उनको तो फ्रांस की यात्रा चाहिए थी भाई, उनको तो बाहर जाना है ना। जिनको दर्द होता है, हमें दर्द है, हम बैठे हुए हैं यहाँ। अभी कल की घटना है, आगरा में एक दलित के सर पर पेशाब किया गया है। नई घटना देखिए, देखिए ना। हाँ तो फिर योगी जी बताइए, आप, आपके पत्रकार साथी ने क्वेश्चन किया है, तो ये क्या समानता है? ये है कि भाई आप किसी भी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब करो और गाड़ी में वो वीडियो वायरल हो रहा है। योगी जी के नाम को प्रशासन के सामने में गोली मार दिया जाती है, तो फिर क्या होगा बताइए? कहते हैं कि यहाँ पर जो माफिया का मतलब खैर नहीं है यूपी में खैर नहीं है, तो बाकी आम व्यक्ति की भी कहाँ खैर है? आप ये बताइए ना, आम व्यक्ति क्या सुरक्षित है? अब कल एक उसमें हो रहा है, कल एक जो वीडियो आप कह रहे हैं जिसमें वायरल हुआ है, उसमें उसके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, गाड़ी में बैठा के उसको मारा जा रहा है। क्या निहत्तों पे ही ये ऊपर राज करना? तो निहत्तों पे वार करना बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार का ये मुद्दा होता है कि निहत्तों को पकड़ो, मारो, लेडीज़ को पकड़ो, उनको शरेआम नंगा करो, उनके साथ बलात्कार करो, उनको रोड पे छोड़ दो। तो ये सिस्टम है क्या? मोदी जी जब तक है तब तक देश सुरक्षित है कहते रहे। हाँ, हमें नहीं, हमें विश्वास नहीं है किसी भी उस पर। मणिपुर की हिंसा को लेकर के क्या लगता है कि इसका सलूशन कैसे निकले? वहाँ जाए मोदी जी, जाए कोई भी जाए, एक कमेटी गठित की जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंडर चीफ जस्टिस को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मिजोरम और असम में भी शुरू हो गया है, ये तो बढ़ रहा है। वो 7 सिस्टर्स को करेंगे भाई नॉर्थ ईस्ट में। वो अभी जो आप ये बताइए, जितने ये हिंसक व्यक्ति होते हैं इनका कोई धर्म होता है? कश्मीर में भी चलता है, हर जगह मूवमेंट चल रही है, तो क्या मतलब वो किस लिए? मोदी जी का देश संभल नहीं रहा और अखंड भारत का नक्शा उन्होंने नए संसद में लगा दिया है, तो ये तो मोदी जी अब उनको बदलना ही पड़ेगा। मैडम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि अब जिस उद्देश्य से यहाँ पर थाना में बैठी है जी, तो आपका जो पम्पलेट उसमें लिखा हुआ है संविधान की धारा 332, 334 जी, 73 और 74, ये क्या है? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन है कि अब इस साल के लास्ट तक राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जी, ठीक है ना, यूपी में। क्या 2024 में मणिपुर का मुद्दा रहेगा या फिर राम मंदिर में ही सारा खेल खत्म हो जाएगा? भाई ये मंदिर का मुद्दों में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है बहुजन समाज का, अभी जो इस पार्टी का आज का टारगेट है, हम 24 में इलेक्शन फाइट करेंगे। हरियाणा में भी, हर जगह जहाँ भी हमें लगेगा, महाराष्ट्र में, मुंबई में, नागपुर में, गुजरात में, जहाँ भी। अब सारा बहुजन जाग चुका है, बहुजन समाज आगे आएगा और अपने नेताओं को आगे करेगा। अपने नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन फाइट करेंगे। हर घर मोदी अभी से नारे वो करते रहे ना। देखिए, सबसे ज़्यादा ये लोकतांत्रिक कंट्री है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार होती है, ठीक है। ये तो हर चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं ना, देश बेच रहे हैं। जो बच्चा, हमारे युवा जिनको नौकरियों का मुद्दा है, भेदभाव का मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं, ये कौन सा ऐसा, मुझे बताइए कोई भी जहाँ पर इनके विचार, सबके कुछ ऐसा है हमारे पास विषय जिसमें इनके विचार मिलते हों? देश बदल रहा है मैम। देश नहीं बदल रहा, देश हम बदलेंगे क्योंकि अब हर नागरिक, देश का आम नागरिक भी जाग रहा है, तो देश वो बदलेगा। सरकारें देश नहीं बदल सकती, वो तब बदल सकती हैं जब वो सिस्टम को बनाएंगी। जब वो मोदी जी यूएई गए तो वहाँ पर जो वहाँ का राजा था बहुत अच्छे से स्वागत किया यूएई, तो वो जाए भाई। मोदी जी का किया है तो यूएई के वो भी फॉलो करके आए ना। वहाँ पर अगर महिला रात को 12 बजे जाती है, अगर उनके साथ कोई छेड़खानी होती है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अगर कोई रेप करता है उसको चौराहे पर लटा के नंगा वो किया जाता है। तो क्यों नहीं वो अपनाते? वहाँ जा तो रहे हैं।